नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। बड़ी खबर मिल रही है यूपी के बलिया जनपद से, जहां गंगा नदी के जल स्तर बढ़ने से किसानों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जल स्तर से बढ़ने से मचा है ग्रामीणों में हड़कंप। बलिया में बाढ़ के पानी से सैकड़ों किसानों के खेत गंगा की चपेट में धीरे धीरे आने से किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है। लगातार हो रही बारिश से परेशान किसान, तो दूसरी तरफ गंगा के जल स्तर बढ़ने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। यूपी के बलिया में टीएस बांध पर बसी गांव बिसौली, चांदपुर, कोलकला इत्यादि गांव में लगातार हो रही बारिश से परेशान किसानों को अब गंगा के बढ़ते जल स्तर का डर सताने लगा है। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है बाबा आपका? जी, किस गांव के हैं आप? चांदपुर। तो अभी ये जलस्तर ये कब बढ़ी है और इसके पहले क्या यहाँ पे स्थिति थी? आज ये तो भादु बाबा से स्थिति खराब है, 5 दिन से बढ़ा। अरे पानी अब जब बढ़ता है, घटली तब 4 अंगुला घटी तब 10 अंगुला बढ़ी। तो ये कितना पानी बढ़ गई बा अभी? अभी 50। अपन खेत बा का? हाँ, खेत बा। तो इसे कितना नुकसान आपके हो सकेला? अरे हमके बहुत नुकसान बा। अभी आपके खेत गंगा जी के चपेट में आइल बा कि ना? अभी हाँ कुछ बा। कितना? बहुत पानी, बहुत ज्यादा। अच्छा, वही आपका खेत है? हाँ। तो कितना अभी आपका खेत गंगा जी में अभी समाहित हो चुकी है? मैं 10 कठा भा, 15 कठा ही है गंगा जी में आ गई है। आने वाले समय में कितना नुकसान और हो सकता है आपको? काटना पूरा पूरा सब राशन भाई। तो कितना नुकसान हो सकता है आपको? 10-15 बीघा। अपना एक पर्चे बताइए। मैं चांदपुर ग्राम प्रधान, बाहडी ब्लॉक। क्या नाम है आपका? रंजय कुमार सिंह जी। रंजय जी, ये बताइए कि अभी आपके गांव में देखा जा रहा है कि काफ़ी गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो क्या स्थिति अभी आपके गांव में है और किस तरह के अभी नुकसान उससे पहुंच रही है किसानों को? अभी जैसा अभी तो कोई नुकसान नहीं है, जब पानी बढ़ जाएगा तो नुकसान किसान को होगा। जैसे धान वगैरह हम लोग बोते हैं तो दह जाता है, अभी ढाही है तो किसान का ज़मीन ढह रहा है, मतलब कटान अभी जारी है। कटान जारी है। तो अभी लगभग कितने किसानों का जमीन अभी गंगा के लपेट में भी आई है? बहुत से किसान वहाँ पर है, बहुत से किसानों का जमीन ढह चुका है। पानी जब बढ़ जाता है तो कितने किसान का मतलब की फसल बर्बाद होता है? बहुत अनगिनत, तो मान लीजिए जो बहुत वहाँ 500 बीघा लमसम जमीन है, लोग बोते हैं बांध के। आपके टीएस बंदा की क्या स्थिति है? जर्जर हो चुका है टीएस बंदा। तो अभी आपके गांव को बचाने के लिए अभी किस तरह की व्यवस्थाएं अगर हो जाए तो आपके गांव सुरक्षित रह सकता है? देखिए, व्यवस्था अगर मान लीजिए जी अगर चारों बगल से बंधा अगर बन जाए तो गांव सुरक्षित हो सकता है। अगर नहीं बनता है तो कितना नुकसान? नुकसान का पूरा सारे के कष्टकार का फसल भी दह जाते हैं, और बंधे पर, मुख्य बंधे पर लोग नाव से नहीं तो हेल कर आते जाते हैं। तो क्या आशंकाएँ जताई जा रही है, कितने समय में ज़्यादा और खतरे का शिकार हो सकते हैं? जैसे पानी बढ़ेगा तो खतरा बढ़ेगा। अभी जितना बढ़ा है उससे कितना नुकसान हुआ है? उससे नुकसान वही जो लोग परोरा वगैरह खेती बोए हैं वही ढाई से नुकसान हुआ है। जी, अपना एक परिचय बताइए। मैं ललन यादव, पूर्व ग्राम प्रधान बिसौली, सापा विधानसभा महासचिव बास्टी। जी, अभी देखा जा रहा है कि गंगा नदी खतरे के निशान की पार कर रही है और आप एक बंधे पे, आपका गांव है और आप उसी पे आप भी हैं, तो क्या स्थिति है अभी आपके गांव के और किस तरह की आप लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, यहां से 800 मीटर दूर घाघरा नदी है, कटान अभी बहुत तेजी से चल रहा है। इस पर सरकार जो है प्रतिदिन यहाँ से कम 2.5-3 किलोमीटर दूर घाघरा नदी थी, लेकिन आज जो है घाघरा नदी एकदम करीब समीप आ चुकी है और कटान जो है अभी यहाँ से जाएंगे 600 मीटर दूर, 700 मीटर पर तो घाघरा नदी आपको मिल जाएगी। पानी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पानी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन
ये मैं टीएस बंधा पर बोल रहा हूँ, जो तुर्ती पार से श्रीनगर टीएस बंधा है। इस संबंध में मैंने कई बार प्रतिपक्ष नेता जी भी, प्रतिपक्ष नेता माननीय राम गोविंद चौधरी जी भी कई बार पत्र लिखे, उनके माध्यम से मैंने पत्र लिखवा करके भेजवाया। मैंने भी कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, डकबंगला पर घेरा था। एक बार कमिश्नर आए थे, आजमगढ़ कमिश्नर आए थे, उनको मैंने घेराव किया था। कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारी आते हैं। इसके पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि आज यदि बाढ़ आ जाएगी, इतनी साहिल इसको चाट दी है कि टीएस बंधा एकदम जर्जर स्थिति में है। जब से भाजपा की सरकार बनी है, टीएस बंधा पर इसका देखरेख कोई नहीं किया गया है, न किया जाता है। तो क्या आपके गांव में जो घाघरा गंगा नदी है, क्या खतरे के निशान के पार कर चुकी है? घाघरा नदी खतरे निशान के पार कर चुकी है। आ सुनिए, ये भी एक और सवाल है, इधर जो आप टीएस बंधा के इधर जो देख रहे हैं, ये जो दो पुल, एक पर्वतपुर जयनगर में है, एक यहाँ है, उधर का पानी इधर फेंक दे रहा है। इधर कम से कम आज दो साल तीन साल से हजारों एकड़ जमीन जो है खरीफ की फसल से, कह रही है सरकार कि मैं दुगनी आय करूँगा, भूखमरी के कगार पर है खरीफ की फसल जो है। यहाँ सिर्फ यहाँ ना नौकरी है, न किसी तरह का किसी का कारोबार है, सिर्फ खेती ही है। आ खेती से समझ जाइए कि खरीफ की फसल आज 3 वर्षों से नहीं हो रही है। ये संबंध है उस साइड का, जो कितने बाढ़ से कितने जमीनें पर, अरे वो तो 10,000 एकड़ जमीन जो है प्रभाव में है, बाढ़ से प्रभाव में है, जो कि अभी कितने प्रभाव में आई हैं या आने वाले समय में कितना नुकसान? अभी करीबन लगभग रेंगहा, रामपुर नमरी, चितबिसाव कला, चांदपुर, महाराजपुर, कमालपुर, इकु पकड़ करके ये कम से कम हजारों एकड़ जमीन गिर चुकी, नदी के महती में आ गई, समा गई। अब और बता रहा हूँ आपसे, ये देखिए क्रय केंद्र भी है। सरकार के प्रति मैं बोल रहा हूँ, सरकार कह रहे कि हमसे कोई अच्छा ये नहीं है। ये बताइए, कह रहे कि दोगुनी आय करूँगा, दोगुनी आय कहाँ? क्रय केंद्र, अभी किसी का गेहूं का क्रय नहीं हुआ। अभी सारे लोग का, कम से कम 30% लोगों का, किसानों का घर में गेहूं भीज रहा है, बारिश से भीज रहा है। अभी क्रय केंद्र उसी तरह बंद है। हाँ, उसको इसके लिए हम लोग एक दिन तहसील पर